प्रदेश में कानून व्यवस्था को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से डीजीपी ने अब प्रत्येक थानों पर 4 इंस्पेक्टर की नियुक्ति करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अपर पुलिस महानिदेशक दावा शेरपा ने बताया कि उपलब्धता के आधार पर थानों पर इंस्पेक्टर की तैनाती की जाएगी। उन्होंने बताया कि पदोन्नति के बाद इंस्पेक्टर की संख्या में इजाफा हुआ है, जिसको देखते हुए शासन ने यह फैसला लिया है। इससे कानून व्यवस्था में भी सुधार होगा और कामों का बोझ भी कम हो जाएगा, उन्होंने बताया। इसमें आपने देखा होगा कि हाल के दिनों में पुलिस विभाग में प्रमोशन की गति में बहुत तेज़ी आई है, मतलब कई लोग सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बने हैं और हमारे पास जितने थाने हैं उससे अधिक संख्या में इंस्पेक्टर अब हमारे पास उपलब्ध हैं। ऐसे में जो अतिरिक्त जो इंस्पेक्टर्स हैं जिनको जो थाना के प्रभार में नहीं है, उनके लिए एक कार्य क्षेत्र डिफाइन करके कि वो कैसे क्या देखेंगे और किस तरह से उनका कार्य क्षेत्र होगा, ये इसके बारे में सर्कुलर जारी हुए हैं। अब इसमें जो अलग अलग कार्य दिया गया है, एडिशनल SHO, प्रशासन, कानून व्यवस्था, इस तरह से अलग अलग नाम दिए गए हैं। ये बेसिकली उपलब्धता के आधार पे है, क्योंकि किसी ज़िले में अधिक संख्या में इंस्पेक्टर होंगे, किसी ज़िले में कम होंगे, तो जैसे जैसे उपलब्धता है तो उस हिसाब से उनके व्यवस्थापन और उनसे क्या कार्य दिया जाएगा इसके बारे में उल्लेख है। इसमें ये भी कहा गया है कि जो वरिष्ठतम इंस्पेक्टर होंगे वो थाने के प्रभारी के रूप में माने जाएंगे, और उसके बाद जो अगर उसमें और अतिरिक्त इंस्पेक्टर उस थाने में मौजूद हैं या तैनात होते हैं तो उनको अलग अलग कार्य क्षेत्र में उनको अतिरिक्त SHO के रूप में कार्य लिया जाएगा।